पिछले कुछ एपिसोड में तुम लोगों ने देखा ही होगा कि स्मार्टी की डेथ के बाद एक टाइम पे ड्रीम बॉय जो हमारा पूरी तरह से अच्छा दोस्त बने बैठा था वो ही अभी हम लोगों के ऊपर पूरी तरह से दादागिरी करने लगा है। विजर्ड ने फलाया जी और मुझे बताया कि यहाँ पे ना कि ये शक्तिशाली बन चुका है, इवन उसके वेपन्स हमारे वेपन्स से बहुत ही ज्यादा, इवन 25% ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए ड्रीम बॉय के साथ लड़ने के लिए हम लोगों को शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा। उसके लिए विजर्ड ने हम लोगों को रास्ता बताया था कि हम लोगों को एक अलग से पजल्स के अंदर जाना पड़ेगा और वहां पे हम को नई नई ओपी चीजें मिलती जाएगी, जहां से मुझे बहुत ही ज्यादा ऑसम स्वॉर्ड मिल गई थी, पिकैक्स मिल गई थी। हम लोग अपने आप को शक्तिशाली बना ही रहे थे, तभी ड्रीम बॉय ने नाचाज फायदा उठाया फलाना जी के अकेले होने का और फलाना जी को एक ट्रैप के अंदर पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। मैंने विजर्ड को पूछने की कोशिश की पर उसे भी बिल्कुल भी नो आइडिया कि कहां पे है एक्चुअली फलाना जी। ड्रीम बॉय ने अपने आप को हिमलैंड्स का पूरी तरह से किंग मान लिया है, चलो मान लिया। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से थुतकार दिया है, वो भी मान लिया। पर अभी फलाना जी को किडनैप करके उसने सबसे बड़ी मिस्टेक कर ली है और फिर क्या जो होना था वो हो गया, डिस्ट्रक्शन। मैं ड्रीम बॉय को मार पाऊंगा, फलाना जी को मिल पाऊंगा, क्या स्मार्टी वापस आ भी पाएगा और आने के बाद क्या स्मार्टी हमारा साथ देगा या ड्रीम बॉय का साथ देगा, लेट्स फाइंड आउट। ड्रीम बॉय मैं वापस आ गया भाई, हेलो। आज ये ड्रीम बॉय रहेगा नहीं तो मैं रहूंगा आज तो, इतना मुझे फलाना जी किसी भी कीमत पे चाहिए, मतलब चाहिए। कहां पे ड्रीम बॉय? अत्ता माजी सटक लिए सुरेश, हट रहे से सुरेश, ये राबड़ी को लेकर गुलगुल कर जा। ड्रीम बॉय कहां पे? ये ड्रीम बॉय नल्ले, हाँ ये देखो ड्रीम बॉय। ड्रीम बॉय तुझे शर्म आती है? फलाना जी को किडनैप करके कहाँ पे रखा है अभी के अभी बताओ। क्यों किडनैप करूंगा फलाना जी को? फलाना जी का क्या अचार डालूंगा मैं किडनैप? आपने फिर से वहां से ओपनिंग वाला हिस्सा बंद कर दिया था, मैंने पूरी तरह से तोड़ दिया है और ये पूरा का पूरा किंगडम तोड़ने के लिए मैं कम नहीं करने वाला अगर फलाना जी मुझे मिले नहीं तो। अगर आप किंगडम तोड़ोगे ना तो सोच लो आपको मैं तोड़ दूंगा अच्छे से एकदम। आप फलाना जी को मेरे हवाले करो फिर राजा, एक सेकंड भाड़ में जाओ। अभी तो इस किंगडम का राजा मैं बन के दिखाऊंगा, अभी इंग्लैंड के राजा आप बने हो ना, अभी मैं बनूंगा राजा। अच्छे सपने देख लेते हो भाई अब दिन में। पर हाँ अच्छे सपने आपको अभी दिन में तारे दिखाने वाला हूँ मैं, आ जाओ नीचे, हिम्मत है तो नीचे आके दिखाओ, नीचे दिखाओ। अरे डरता काई को, नीचे आके दिखा, डरता का एक कोई। सुरेश हटी दस आ गया, देखो सुरेश के आड़ में आता है आज पूरी तरह से मर्डर कर दूंगा तेरा। कहाँ पे है फलाना जी मुझे अभी क्या भी बताओ बेटे, क्या हुआ शील्ड तोड़ के दिखाओ मेरी। ये लो सुरेश के आजू बाजू मत घूमना भाई, अपने दोस्त है वो, अपने दोस्तों के सामने अब भाग के दिखा भाई, अभी भागने का आ गया ना समय तेरा। शील्ड का भी डिस्ट्रक्शन बेबी, मुझे बोल रहा था ना बहुत ओपी, मेरे पास ओपी स्वॉर्ड है बेबी। ओह माय गॉड ये क्या है? अभी आजा बेटा, जला जला के मर्डर कर दूंगा तेरा, आजा। ओह माय गॉड क्या ओपी स्वॉर्ड है यार ये कितना। अभी पहले मुझे बता दो फलाना जी कहां पे है, मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूं। अरे अरे हार्ट का नकली जाचा देके मेरे को हराम फुसलाता है, हराम ही इंसान है ये। आजा आजा इसको नॉकबैक 170। ड्रीम बॉय छीन नहीं सकते अभी अभेजियो भाई। अरे बेटा तेरी गद्दी तेरी चड्डी छीन लूंगा मैं, आजा यहाँ पे। आता माजी सटकली है भाई, आता तुला मर्डर करीं मैं, मेरा पूरा मराठी बाहर निकल रहा है अभी, मराठी में मार दूंगा तेरे। आजा आजा ड्रीम बॉय, फलाना जी का पता दिखाओ यार, मेरा बेस्ट फ्रेंड छीनते हो हर बार आप सब लोग। पहले हुगा लाला मेरा बेस्ट फ्रेंड छीन रहा था, अभी आप छीन रहे हो, सब लोग यही कर रहे हैं। निकलता हूं मेरे किंगडम से, कहीं से कहीं नहीं जाने वाला मैं सिर्फ अभी आपको मार के आपसे उगलवाने वाला हूं। आप उगलो अभी, बताओ मुझे फलाना जी है कहां पे? हम दोनों में कौन ज्यादा प्रो है? मर जाओगे जो मैं निकल जाऊंगा। आजा आजा अब छू के तो दिखाओ, उड़ तो रहे हो, उड़। अंजाम अभी ये होगा कि पूरे हिमलैंड्स का किंग मैं बनूंगा, तुम दोनों नहीं बनने वाले भाई। अभी स्मार्टी भी आएगा तभी भी राज तो मैं ही करने वाला हूँ यहाँ पे। एसजीओ भाई आप यहाँ पे राज करना चाहते हो, आपका सपना है ना, बट अब ये देखो मैं यहाँ पे ऑलरेडी राज कर रहा हूँ और जो भी आएगा ना किसी में दम नहीं है कि वो मेरे को गद्दी से हटाए और यहाँ राज करे। कौन नहीं हटा पाता यहाँ पे, खड्डे में मार मार के भड़ता बना दूंगा आपका। अरे आप आओ तो खड्डे में, क्या हुआ हवा निकल गई क्या? कहाँ पे हो बेटा?
ये मेरी दीवारें है भाई, ये मेरी तोड़ी हुई आपकी दीवारें है मैन, इतनी मजबूत दीवारें। पहले ही समझ गया था ये आपका ही काम होगा, इसी खड्डे के अंदर समझ गया था आपका काम होगा, मारूंगा आपको। ये जाओ जाओ इसी खड्डे के अंदर जाओ, घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ। तो देख ही रहे ना कौन जा रहा है। अच्छा हाँ, अभी कौन घुस रहा है भाई, अभी कौन घुस रहा है यहाँ पे? एचओ भाई आप मौत को गले लगा रहे हो, मर जाओगे, सच बता रहा हूँ। आप जाने वाले हो भाई, मौत का तमाशा तो आपका होने वाला है। फलाना जी का पता बताओ अभी के अभी। अभी काब गई यार तेरी 25 लेवल वाला आर्मर, अभी काब है तेरी पावर्स, एक भी हार्ट नहीं जा रहा भाई। ले 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 मार मार बेटे, कुछ नहीं हो रहा भाई, सुरेश भी हंस रहा है तेरे ऊपर। हाँ दिखा अपनी पावर बेटे, जहाँ मैं कह रहा हूँ वही रुक जाओ। अरे अभी मैं आपको दिखाता हूं अपनी असली पावर। भाई पावर दिखाओ भाई, पावर दिखाओ, आजा मेरे अंदर से। कौन आने वाला है बेटा? क्या हुआ है एचओ भाई, आपके अंदर दिख रहा है आपकी मौत आपकी आंखों के सामने। अब मैं दौड़ नहीं सकता, वो तो आप अब कभी भी नहीं दौड़ सकते हो। ड्रीम बॉय ये है क्या, ये चीज क्या है ड्रीम बॉय? अभी किंगडम चाहिए ना आपको, किंगडम चाहिए ना आपको, लेके दिखाओ किंगडम, आ जाओ। मैं दौड़ नहीं सकता भाई, शिट नहीं ड्रीम बॉय, ये काले जादू करना बंद करो, मुझे सिर्फ फलाना जी चाहिए था यार। no, मैंने बोला no, था ना फलाना जी मेरे पास नहीं है, लेकिन नहीं आपको तो किंगडम चाहिए ना। तुमने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी चीजें नॉनसेंस की तरह कर ली है यार, फलाना जी को अगवा कर दिया, विजर्ड भी आपके खिलाफ है यार, कोई नहीं चाहता कि आप बने हो यहाँ के हीरो या फिर किंग। फलाना जी अब बाद में लेना, पहले अपनी जान बचाओ। क्या वो चीज है क्या भाई? नो 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 नो, मैं दौड़ क्यों? हीरो ब्रेन खत्म कर दे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत गलत चीज कर रहे हो, स्मार्टी भी इसके साथ नहीं देने वाला बिल्कुल भी, आपका कोई साथ नहीं देने वाला यहाँ पे। ये हीरो ब्रेन मिला कहाँ से? वो उड़ रहा है लिटरली, वो उड़ कैसे सकता है बेटे? ड्रीम बॉय ये गलत कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो बहुत ज्यादा गलत है ड्रीम बॉय। द एंड इज हियर हीरो ब्रेन। हाँ यार मैं क्या हुआ एचओ भाई, अभी भागो ना अपनी जान बचा के इधर से। अरे क्या भागो ना जान बचा के यहाँ पे, क्या व्हाट? ओ नो नो नो, होश होश, किंगडम चाहिए क्या आपको? अभी भी किंगडम चाहिए? मुझे किंगडम में लेके ही रहूंगा भाई, तू मुझे क्या, ये नल्ली चीजें नॉनसेंस, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? शिट 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 शिट, मैंने मिस कर दिया, शिट शिट शिट, उन्हीं मेरा ट्राइडेंट, ओके आ गया भाई। ये कौन है, कहां से मिला आपको? ड्रीम बॉय ये गलत कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, मैं और फलाना जी एक साल आगे आपका मर्डर कर ही रहेंगे। जाओ जाओ भाई, किसी से नहीं डरता मैं, जिस मर्जी को बुला लाओ अपने साथ, जिस मर्जी को, अभी ड्रीम बॉय किसी से नहीं डरता। मैं दौड़ नहीं सकता यार। हाँ हाँ जाओ जाओ, जिस मर्जी को ले आओ अपनी टीम में, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, जिस मर्जी को ले आना अपने साथ। मैं शिट 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 यार, कहां पे गया वो तेरा साथी, वो हीरो ब्रांड कहां से मिला तुझे? क्या हुआ भाई, मेरे को कहीं से भी मिला हो? ओ नो 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 नो, यार ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ड्रीम बॉय। ड्रीम बॉय ये आपको ही मार देगा, मैं बोल रहा हूं ड्रीम बॉय, ये सारी चीजें गलत है। दिस इज द लास्ट वार्निंग एचओ भाई, निकलना है तो निकल जाओ, नहीं तो आपका खेल खत्म। मैं वापस आने वाला हूँ, मैं गारंटी वापस आने वाला हूँ। जिस मर्जी को ले आना, जिस मर्जी को, खुला चैलेंज है इधर, जिस मर्जी को ले आना। नो, ओ शिट, शिट 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 शिट, निकल गई सारी हवा, भाग जाओ एचओ भाई इधर से। नो ये पीछे ही पड़े यार, मेरा ट्राइडेंट किधर? नो 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 नो, मेरे पास खाना इतना ही है यार। अनलिमिटेड स्लोने, एक मिनट, हश 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 हश। ओ भाई साहब ये क्या था फालतूगिरी यार, जीवन का आप बाप रे, ड्रीम बॉय की शक्तियां इज टू मच यार, उसने पूरा का पूरा हीरो ब्रांड स्पॉन करवा लिया यार यहाँ पे। शिट यार मैं कैसे बचाऊ, मुझे पता है यार, बाप रे वो बंदा उड़ रहा है लिटरली वहां पे। शिट मैन, मैं यहां से हारू मारने की कोशिश करूं कैक्स को? नहीं, मेरा लल्ला नाकारा नहीं पहुंच पाएगा वहां पे, मुझे दौड़ना पड़ेगा यार विज़र्ड का। शिट, नो 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 नो, ओ भाई उसने यहां से कट, उसके अटैक, वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है यार ड्रीम बॉय और पूरे के पूरे किंगडम को। ये सारी चीजें कैसे समझ में, ड्रीम बॉय ने कैसे कंट्रोल किया, वो भी हीरो ब्रायन को यार,
हीरो बनना ऐसे सस्ती चीज नहीं है यार, ये एंटिटी से भी ज्यादा पावरफुल चीज है और उसको कंट्रोल कर पा रहा है बंदा। उसके पास खुद की शक्तियां कुछ नहीं है बिकॉज मेरी मुझे वो हार्डली डैमेज कर पाया, तूने देखा। पर उसके बाद जो उसने पीटा है, मतलब वो हीरो ब्रायन ने, बाप रे बाप, उड़ा उड़ा के मार रहा था यार। ये अब तक का सबसे खतरनाक चीज देखा है मेरे अपने लाइफ का। मैं अभी तक शेक कर रहा हूँ लिटरली। हाँ मैन, मुझे एक सॉरी मैन शिपी, मुझे खाने की ज़रूरत है। लिटरली मैं वन शॉट कर सकता हूँ किसी भी बंदे को बिना आर्मर के और विद ट्राइडेंट भी, पर मेरा ट्राइडेंट भी उसके सामने कुछ नहीं है, पानी कम चाय है यार। यार दिस इज सो वियर्ड। मुझे विजर्ड्स के साथ बात करनी पड़ेगी, क्या हो रहा है इस वर्ल्ड के अंदर, क्या क्या कैसे उसको मिल सकता है यार। दिस इज सो बैड यार, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक शिट, ओ नो 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 नो, बंदा ऊपर है, बंदा ऊपर है, मेरे एग्जैक्टली ऊपर था बंदा। ओह नहीं, मुझे फिर से स्लोनेस लग गया, मैं नहीं दौड़ सकता यार। यार ये बंदा, ये नो होम, पानी 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 पानी, ओ शिट। मैंने अब तक का सबसे बेस्ट क्लच किया मेरी जिंदगी का, ट्रस्ट मी। मैं क्लच में बीच में, मेरे को नहीं आता भाई ये गेम खेलना, पर मैं मरने वाला हूँ सीरियसली। मैं एक हार्ट पे बच रहा हूँ यार, कैसे मुझे नो आइडिया। ये बंदा मुझे जिंदा नहीं रखने वाला बिल्कुल भी, ये चाहता ही नहीं है मैं जिंदा रहूँ यहाँ पे। ये मुझे यहाँ तक कैसे ढूंढ सकता है यार, मुझे लगा कि किंगडम के बाहर इसकी तक मैं, ओह मैं दौड़ने लगा। हर्ष मैं दौड़ सकता हूँ अभी। That was so bad. Dream boy, मैं वापस आ गया भाई। Hello, Dream boy. Kingdom में भाई मैं, hello. No. Shit, ये kingdom में क्यों जा रहा है भाई? इसको भी मार देंगे। Smarty वापस आ गया यार। एक मिनट। No, मैं एक हार्ट पे कैसे? मेरे पास खाने का भी सामान नहीं है यार, कुछ भी। मेरे को मुझे हिमलैंड्स में जाना पड़ेगा। होपफुली स्मार्टी जिंदा रह पाए वहाँ पे उसके साथ, बिकॉज वो स्मार्टी को भी नहीं छोड़ेगा, मुझे गारंटी पता है। पर यार स्मार्टी वापस आ गया तो हिमलैंड्स में क्यों नहीं आया, ये किंगडम में क्यों जा रहा है? मुझे लग रहा है कि ये ड्रीम बॉय ने जो बोला था ना वो सच्ची था, कि ये वो कुछ तो किंग ने स्मार्टी को और ड्रीम बॉय को किंग बना दिया है ना, तो आई गेस वहाँ का किंग बनने के लिए स्मार्टी वहाँ पे ही चला गया। पर ये आई गेस उसका बैड डिसीजन होगा, बिकॉज ड्रीम बॉय मुझे नहीं लगता कि अभी हार मानेगा, वो उसको ही मार देगा यार। एक मिनट, मैं विजर्ड के पास जा रहा हूँ, उसके पास ही कुछ ना कुछ रास्ता होगा। यार मुझे वापस जाने का मन कर रहा है, सॉरी मैन, मैं वापस नहीं जा सकता बिल्कुल भी। मुझे मन कर रहा है मैं स्मार्टी को बता दूँ कि वो ना जाए वहाँ पे, पर नहीं, अभी मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा। पता नहीं मरने के बाद फिर से डार्क इमलैंड में कैदबीद हो जाए हम लोग, पता नहीं कुछ भी हो रहा है अभी यहाँ पे, मरना नहीं है बिल्कुल भी। भाई साहब अभी थोड़ा सा दिन में चेहरा ना पाए, अभी तक खाने के यहाँ पे मैं कच्चा ही खा रहा हूँ यार। विजर्ड होपफुली मदद करें यार, हमारा फलाया जी हम लोगों को मिला ही नहीं, मुझे लगा था आज फलाया जी मिल जाएंगे, हम लोग बहुत सुकून से रहेंगे। भाई यार क्या हो रहा है यार, हिमलैंड्स में ऐसी दरारें हो गई है, पूरा हिमलैंड्स टूटने को आ गया है, सब लोग एक दूसरे के खून के से प्यासे हो गए है। पर अभी यार मुझे भी ऐसे लग रहा है कि अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है ना, तो फिर अभी स्मार्टी सॉरी, पर अभी मुझे भी किंग बनना ही पड़ेगा यार। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि स्मार्टी भी आके मेरा मर्डर करना चालू कर जाएगा, हम लोगों को, मुझे और फलाना को बच के रहना पड़ेगा। ड्रीम बॉय ओवर पावर्ड हो गया है यार, डैमेज देख रहे हो बंदे का, हद से ज़्यादा डैमेज दिया उसने मुझे। विजर्ड हो कहाँ पे यार? यार विजर्ड को अगर कुछ पता नहीं हुआ ना भाई, मैं तो मैं अभी हमारी वाट, विजर्ड यहाँ पे देखो वाट लग गई है सीरियसली। ड्रीम बॉय ने हीरो ब्रायन को स्पॉन करवा दिया यार, पूरी तरह से तबाह कर रहा है, आधे से ज्यादा एचपी तबाह कर दिया यार। जल्दी कुछ, आपको कुछ पता है इसके चीज के बारे में, जल्दी से बता दो यार। ओ थैंक यू, मुझे जरूरत थी बहुत ज्यादा, दो मत, बहुत ज्यादा पाव की जरूरत है यार, बहुत ज्यादा खतरा है यहाँ पे। विजर्ड आपके पास तो आर्मर भी नहीं है, मेरे आर्मर होते हुए भी मेरा पूरी तरह से वाट लगा दिया ड्रीम बॉय, इवन वो स्नो ने इसका पोशन देता है और इट्स लाइक अ वियर्डेस्ट थिंग एवर। तो विजर्ड के हिसाब से उसे भी नो आइडिया कि हीरो ब्रायन कैसे स्पॉन किया है, पर उसने अभी वो सीरियसली मुझे डांट रहा था कि तू बोल रहा था ना भाई कि ड्रीम बॉय नल्ला नकारा, देखा ड्रीम बॉय के हम लोग बहुत ज़्यादा वीक है। अभी जो हमारा जो पोर्टल था, जिस पोर्टल के वजह से मैं पहुंचता था दूसरे वर्ल्ड के अंदर और मुझे वो नई चीज़ें मिलती थी, जहाँ से मुझे स्वॉर्ड मिली थी और ओपी वाली पिकैक्स मिली थी, वो वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अभी ओवर पावर्ड बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और उससे ऊपर वाली बात,
कोई तो नकली स्मार्टी है जिसने एंटर किया है इस वर्ल्ड के अंदर, ड्रीम बॉय के साथ वो मिला हुआ है, दैट्स व्हाई वो जो आवाज था जो हम लोगों ने सुना वो नकली स्मार्टी का था, ऐसे विजर्ड बोल रहा है। क्योंकि अभी मैं सोच रहा था कि मैं फिर से चला जाता हूँ हिमलैंड्स का वो किंगडम के यहाँ पे और देखता हूँ कि कुछ हो रहा है, स्मार्टी मिल जाए तो दैट विल बी सुपर कूल। पर मैंने अभी नोटिस किया कि सर्वर के ऊपर स्मार्टी है भी नहीं और मेरे पास कुछ बोल भी नहीं रहा वो सारी चीजें, और उसके साथ ये विजिट बोल रहा है कि वो नकली स्मार्टी है, वो क्लोन्स का अल्टीमेट वर्जन अभी ड्रीम बॉय के पास है, जिसकी वजह से उसने हीरो ब्रायन को भी पूरी तरह से कैसे पैदा कर दिया उसे भी नो आइडिया, और उसके साथ वो बहुत सारे क्लोन्स बना सकता है और ये नकली स्मार्टी है, तो उससे हम लोगों को बच के रहना है। तो अभी मैं तैयारी करने वाला हूँ पूरी तरह से स्ट्रांग बनने के लिए, और हम लोग कुछ भी कहें क्योंकि जितना स्ट्रांग ये स्मार्टी पाए हमारा है ओरिजिनल वर्जन, उससे ज्यादा या फिर उससे जितना ही वो पावरफुल होगा उसका क्लोन। सो आई एम नॉट श्योर क्या होने वाला है, लेट मी नो हम लोग कैसे बचने वाले हैं, और ये नकली स्मार्टी हम लोग को मार देगा या नहीं मार पाएगा, ड्रीम बॉय का हीरो ब्रांड कैसे हम लोग छीने, लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। That will be super duper cool. अगर तुम लोग नए हो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब ताकि तुम लोग मिस ना करो कोई भी ये नॉनसेंस चीज। पता नहीं मैं करने गया था एक और हो गया है हमारे साथ बहुत ज्यादा गड़बड़। So thank you so much for watching. This is your trip signing out. Peace out guys. Check out some more videos यहाँ पे, तब तक मैं पसीना पोंछ के आया because बहुत वाट लगी पड़ी है। Check out this video.